वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ये है 390 एंड 663। इसको इसमें कुछ दिया नहीं है, डिवाइजर से या क्या से हम लोग को डिवीजन से करना है, तो हम लोग पहले इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं नॉर्मल, तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरा तरीका से सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। उसके बाद ये पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे बार डिवाइड करके देखेंगे। हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कम से कम अंक लगाना है, तो हम लोग इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 देंगे तो ये 195 से कटेगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो हम लोग ये 65, 3 ये 5 से 13, 5 या 65, 13, और ये 13, 13, 1 या 13, ये हो गया। अब 663 है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग इसको 3 से करेंगे, 3, 2 या 6, 3, 2 या 6, 3, 1 या 3, ये हो गया। अब ये 13 से डिवाइड होगा, अब इसके पहले कोई दूसरा अंक से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा, ये कितने टाइम, 17 टाइम है, ये 17 टाइम होगा। हम लोग फिर 17 को 17 वन जाए 17 होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3663 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कॉमन निकालना पड़ेगा, तो भाई इसमें कॉमन फैक्टर निकलेगा, तो हम लोग इसके लिए 17। अब हम लोग उसके बाद ये 319 का निकालेंगे, 319 इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब हम लोग को इसको देखना है, ये दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, ये दोनों से कॉमन आएगा, हम लोग का एक 3 है कॉमन आ रहा है और एक 13 कॉमन आ रहा है, तो 3 एंड 13 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन वाला को ही हम लोग लेंगे 3 मल्टीप्लाई 13, तो हम लोग को क्या निकलेगा इसमें से, 33 जा 33 जा 39 इजकल टू 39, हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हुआ, लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है हम लोग का क्वेश्चन है 856 एंड 936, इसको हम लोग डिवाइड करके ही देखेंगे, मतलब दो तरीका से देखेंगे, ये हम लोग फैक्टराइजेशन से देखे हैं, अब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के लिए भी इसका एक अलग रूल है, तो हम लोग क्या करेंगे उससे हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग का क्या रूल है, ज़्यादा वाला नंबर जो है वो डिविडेंड होगा और छोटा वाला जो है तो जो डिवाइजर होगा, तो हम लोग को ज़्यादा वाला क्या है 936 है, तो हम लोग ये 856 यहाँ आएगा, हम लोग वन टाइम लगाएंगे, फर्स्ट टाइम में 856 है, वन टाइम है, तो हम लोग का ये 660, 13 में से 58 ये कट गया, तो मेरा हम लोग का 80 आया, तो हम लोग को क्या होता है रिमाइंडर जो आएगा वही डिवाइजर होगा, इसलिए कि वो छोटा है, छोटा जब रिमाइंडर होता है तो वो डिवाइजर बन जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ ये 856 जो है अब इसके अंदर आ जाएगा, 856 यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे, पहले हम लोग वन टाइम लगाएंगे, वन टाइम में 5 ये कट गया, ऊपर से हम लोग 6 लेंगे, फिर इससे छोटा है तो फिर लोग हम लोग इसको 18 अंदर लेंगे, और ये भी 56 आ गया, फिर ये 10, 4 ये यहाँ बचा, 7, 7, 5, 2 बचा, और ये 24 है, ये भी छोटा ही है, तो हम लोग ये ऊपर से फिर लेंगे इसको 56, तो हम लोग 56, तो ये 2 बार लगेगा, 48 टू टाइम, तो 16, 8 ये कट गया, अब हम लोग का ये भी छोटा है, हम लोग ये फिर 24 लेंगे, ये 24 है, तो 8, 3 जा 24, हम लोग का ये 3 बचा, हम लोग क्या होता है पहले वाला डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, तो लास्ट में जो आएगा वही हम लोग का डिवाइजर जो बचता है वही हम लोग का एचसीएफ आएगा, तो हम लोग का क्या बचा है लास्ट में, तो हम लोग के पास 8 बचा है, तो हम लोग इसको ये क्या लिखेंगे, एचसीएफ
इजकल टू 8, हम लोग का इसका आंसर 8 निकलेगा। ये दोनों तरीका से हम बताए हैं, इसलिए कि इसमें कुछ दिया गया नहीं है कि फैक्टराइजेशन से करना है या डिवाइड करके करना है। हम लोग ये को जो है से फैक्टराइजेशन से बनाए हैं, दूसरे डिवाइड करके बनाए हैं। मुझे आशा है कि मैं जो समझाया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।